वुड के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सभी हम पढ़ेंगे, चाहे वो चाहे रेगुलर के हो या चाहे इसमें देखा जाए तो हम पास्ट हैबिट में यूज करते हैं टू विल, मतलब पास्ट का वुड यू माइंड इसके साथ इट वी ओके इफ का यूज वुड पास्ट ऑफ रिपीटेशन इन पास्ट पॉसिबिलिटी में ऑफर में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे हम लोग देखा जाए तो यू लाइक मी यू माइंड इफ का यूज देखा जाए तो इसी तरह हम आपको देते रहेंगे। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप समझते हैं हम लोग वुड यू माइंड इसके साथ बी फोर यानी जिरेंड यानी इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और इसके बाद अदर वर्ड इसका स्ट्रक्चर होता है जिसे बोल दिया जाए वुड यू माइंड प्लस बी फोर यानी वर्ब के साथ आई एन जी प्लस अदर वर्ड, ठीक है ये हो जाएगा। अगर जो हम देखा जाए तो इसमें हम लोग कैसे सोचेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर सेंटेंस जैसे बोल दिया जाए आपको वह काम करने में बुरा तो नहीं लगेगा, ठीक है, या बोल दिया जाए आपको यह काम करने में परेशानी तो नहीं, मतलब परेशानी नहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई भी चीज़ का जो बोलेंगे इससे संबंधित आपको यह बुक पढ़ने में परेशानी तो नहीं या आपको वह कार चलाने में परेशानी तो नहीं या आपको उससे मिलने में परेशानी तो नहीं आपको उसके साथ जाने में परेशानी तो नहीं। तो ऐसे भी जब भी हम सेंटेंस बहुत सारे बोलते हैं तो आप लोग वुड यू माइंड का यूज़ करके आसानी से बना सकते हैं बोल सकते हैं और कहीं लिखा है तो समझ सकते हैं। आप समझते हैं इसके कुछ एग्जांपल जो हम बनाते हैं, ठीक है। देखा जाए आपको वहाँ जाने में परेशानी तो नहीं तो इसको बना देंगे वुड यू माइंड गोइंग देयर, ठीक है ये हो जाएगा वुड यू माइंड गोइंग देयर क्वेश्चन मार्क वुड यू माइंड गोइंग देयर ये पार्टिसिपल काम करता है, ठीक है। दूसरा लिखा है आपको यह काम करने में परेशानी तो नहीं, ठीक है तो इसको बना देंगे वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क ये हो जाएगा आपको यह कार खरीदने में परेशानी तो नहीं, ठीक है तो इसको बना देंगे वुड यू माइंड परचेजिंग दिस कार, ठीक है ये हो जाएगा वुड यू माइंड परचेजिंग दिस कार। तो मतलब ऐसे सेंटेंस बहुत सारे आप लोग सोच सकते हैं बना सकते हैं। मैं आपको कुछ बोलता हूँ जैसे बोल दी जाए आपको यह बुक पढ़ने में परेशानी तो नहीं आपको यह बुक खरीदने में परेशानी तो नहीं आपको उससे मिलने में परेशानी तो नहीं आपको उसके साथ मीटिंग करने में परेशानी तो नहीं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह बनाइए सोचिए और स्क्रीनशॉट लीजिए हम समझते हैं दूसरा यूज़। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप समझते हैं हम लोग वुड इट बी ओके इफ का यूज़, ठीक है वुड इट वी ओके इफ का यूज़। और इसके अगर देखा जाए तो लास्ट में हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ करते हैं और कैसे करते हैं कैसे समझते हैं इसको आसानी से इसका देखा जाए तो आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे बोलने में हो चाहे राइटिंग में हो, कोई बोलता है तो समझ सकते हैं, आप भी स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो इसके सेंटेंस हम लोग कैसे बोलेंगे, इसका हिंदी में सेंस जैसे बोल दिया जाए क्या यह ठीक होगा या ठीक है ऐसे सेंटेंस बोलेंगे। जैसे बोल दिया जाए क्या यह ठीक होगा अगर मैं तुम्हारी बुक पढ़ूं,
यह बोली जाए, क्या यह ठीक होगा अगर मैं तुम्हारा घर बेच दूँ, या क्या यह ठीक होगा अगर मैं तुम्हारी गाड़ी चलाऊँ, या बोल दी जाए क्या यह ठीक होगा अगर मैं तुम्हारे साथ बात करूँ। तो ऐसे सेंटेंस बहुत सारे आप लोग बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब समझते हैं हम लोग जो लिखे हैं इनको बनाते हैं। तो इस तरह आप लोग सोचेंगे, जैसे बोल दी जाए यह क्या यह ठीक होगा अगर वह वहाँ जाए, ठीक है। तो इसको बना देंगे वुड इट बी ओके इफ ही गोज देयर, ठीक है, ये हो जाएगा वुड इट बी ओके इफ ही गोज देयर। क्या यह ठीक हो है अगर तुम यह किताब पढ़ते हो, ठीक है। तो इसको बना देंगे वुड इफ बी ओके इफ यू रीड दिस बुक, ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। वुड इट बी ओके इफ यू रीड दिस बुक, ये हो जाएगा क्या यह ठीक होगा अगर मैं तुम्हारी कार चलाऊं, ठीक है। तो ये बोल देंगे वुड इट बी आई ड्राइव योर कार क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वुड इट बी ओके इफ आई ड्राइव योर कार। तो इस तरह आप लोग बोलेंगे, समझेंगे और बनाएंगे। मैं आपको कुछ बोलता हूँ, क्या यह ठीक होगा अगर तुम यह बुक पढ़ो, क्या यह ठीक होगा, क्या यह ठीक होगा अगर तुम यह कार खरीदो, क्या यह ठीक होगा अगर तुम यहाँ रहो, ठीक है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप समझते हैं हम लोग वुड का यूज पॉसिबिलिटी में, ऑफर में कैसे यूज करते हैं। तो देखा जाए तो अगर जो सबसे पहले इसमें कंडीशन एक ये है कि जब हम लोग पॉसिबिलिटी में यूज करेंगे और ऑफर में यूज़ करेंगे तो कैसे हम लोग समझे, जिसे बोल दीजिए कोई भी चीज़ हम लोग कोई भी काम अगर जो हम करना चाहते हैं उसमें हमें एक श्योर हो हम लोग कि इसे हम 100% करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग विल का यूज़ करेंगे। अगर जो उसमें श्योरिटी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। जैसे बोल दिया जाए, मैं आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ, जैसे बोल दिया जाए मैं दिल्ली जाऊँगा, ठीक है, तो ये मैं दिल्ली जाऊँगा, तो ये आपका मतलब अगर जो हम जाएंगे ही जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग विल का यूज़ करेंगे। अगर जो बोल दिया जाए मैं दिल्ली जाऊँगा, अगर जो हमारे कंफर्म नहीं है तो वहाँ पे हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। तो अगर जो आप लोग कोई भी स्पोकन में अगर जो यूज़ करता है विल और वुड का, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे बोल दिया जाए मैं बोल दूँ आई विल परचेज दैट हाउस, ठीक है, आई विल परचेज दैट हाउस, मैं वह घर खरीदूंगा, ठीक है, ये मतलब श्योरिटी है 100% है, ठीक है। अब देखना अगर बोल दिया जाए आई वुड परचेज, इसी को लिख देते हैं दिस हाउस, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें वुड का यूज़ किया है तो ये हमारा श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो इसमें इस तरह आप लोग अलग अलग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखा जाए तो हम लोग इसका हमारा पॉसिबिलिटी के हो गए, ये आपका पॉसिबिलिटी के हो गए, ठीक है। अब देखा तो हम लोग अब देखते हैं कि जैसे हम लोग वुड का यूज़ ऑफर में कैसे करते हैं। जैसे बोल दिया जाए क्या आप
उसके साथ गाना गाएंगे, ठीक है? तो इसमें ऑफर के लिए हो गया, ये बोल दी जाए क्या आप उसके साथ बात करेंगे, ठीक है, ये भी ऑफर के लिए हो जाएगा। ये बोल दीजिए क्या आप मेरी गाड़ी मेरी कार चलाएंगे, ठीक है, तो ये भी आपका ऑफर के लिए हो गया। अब देखते हैं तो कैसे बोल देंगे, वुड यू ड्राइव दिस कार, ठीक है, वुड यू ड्राइव दिस कार, क्या आप यह कार चलाएंगे, ठीक। दूसरा बोल दिया जाए, वुड यू डांस विद मी, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। तो आप लोग इस तरह ऑफर के लिए यूज करेंगे, तो आई होप को समझ में आया होगा। तो आप लोग इस तरह बनाइए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए। तो हम लोग देखते हैं दूसरा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। अगर मैं चाहूँ कुछ मैं बोल देता हूँ, जैसे बोल दी जाए, आप लोग बना के लिखिएगा, बोल दिया जाए क्या आप उसके साथ वहाँ जाएंगे, ठीक है, ठीक। दूसरा बोल दिया जाए क्या आप मेरे साथ बात करेंगे, क्या आप यह कार खरीदेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग लिए स्क्रीनशॉट, आई होप आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। अगर जो आप लोग देखा जाए तो मैं एक PDF भी प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसी चैनल के नेम से है, मिशन इंग्लिश बाई अनिल, ठीक है। तो इसी को आप लोग टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा, तो वहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करने के बाद बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वुड लाइक टू, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देखा जाए तो बहुत चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग देखिए, ठीक है। अगर जब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा, तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले वीडियो शेयर करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक। अब देखते हैं वुड लाइक टू, इस और इसमें इसका देखा जाए तो ऑफर में यूज़ करेंगे और वांट में यूज़ करेंगे। तो इसमें देखा जाए तो हम लोग कैसे सोचेंगे, इसे बोल दिया जाए आई वुड लाइक टू टॉक विद यू, ठीक है, ये मतलब चाहने वाली बात हो गई, मतलब वांट की बात हो गई। यह बोल दिया जाए आई वुड लाइक टू परचेज दिस कार, ठीक है, या बोल दी जाए आई वुड लाइक टू शेयर माई व्यू विद यू, ठीक है। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं और सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा बोला जाए ऑफर के लिए, ये बोल दिया है वुड यू लाइक टू डांस विद मी, वुड यू लाइक टू टॉक विद मी, वुड यू लाइक टू राइड विद मी, वुड यू लाइक टू गो गो देयर, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग जब भी सोचेंगे तो बोलेंगे। अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं, जैसे बोल दी जाए ऑफर के लिए वुड यू लाइक टू डांस विद मी क्वेश्चन मार्क। दूसरा बोल दिया जाए वुड यू लाइक टू परचेज दिस कार, तो इसमें देखा जाए तो इसका हिंदी होता है चाहेंगे पसंद करेंगे, आप यह कार खरीदना पसंद करेंगे, आप यह क्या आप यह खाना खाना पसंद करेंगे, क्या आप उसके साथ बात करना पसंद करेंगे। इस तरह हम लोग मतलब चाहेंगे करना चाहेंगे पसंद करेंगे, इस तरह हम लोग बोलते हैं। दूसरा बोला जाए तो हम लोग इसमें कर दिए, अब देखा जाए तो वांट में देखिए आपके ऑफर के हो गए दोनों, ठीक है, तो ये आपके ऑफर के सेंटेंस हो गए। दूसरा देखा जाए तो वांट में देखते हैं आई वुड लाइक टू टॉक विद यू मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा, ठीक है, पसंद करूंगा, ऐसा होगा। दूसरा बोल दिया जाए
he would like to sing a song. वह एक गाना गाना चाहेगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह समझिए और बोलिए, मैं बोल दूँ आपको बना के लिखना है, जैसे बोल दी जाए, क्या आप उसके साथ उसके घर जाना चाहेंगे, ठीक है। ये बोल दी जाए, क्या आप उससे बात करना पसंद करेंगे। ये बोल दी जाए, तुम यह काम करना पसंद करें करोगे, ठीक है। यह बोल दी जाए, तुम उससे मिलना पसंद करोगे। आप लोग इनको बनाइए और इसे स्क्रीन शॉट लीजिए। देखते हैं दूसरा। तो आई हो आप लोगों ने इसे स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। आप समझते हैं हम लोग, वुड यू लाइक मी टू। इसमें देखा जाए तो कैसे हम सेंटेंस सोचेंगे और कैसे हमारे सेंटेंस बनते हैं। तो देखा जाए तो हम लोग इसे बोल दी जाए, क्या आप मेरे साथ जाना चाहेंगे। यह बोल दी जाए, क्या आप मेरे साथ पढ़ना चाहेंगे, या क्या आप मेरे साथ रहना चाहेंगे, या क्या आप मेरे साथ बात करना चाहेंगे, क्या आप मेरे साथ यह काम करना चाहेंगे, ठीक है। जैसे भी हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, जैसे भी सेंटेंस हो चाहे कैसे भी, तो हम लोग इसका यूज आसानी से करके बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई बोलता है तो समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके के हमने सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बोल दूँ, लिख दूँ, जैसे बोल दी जाए, वुड यू लाइक मी टू गो, ठीक है। वुड यू लाइक मी टू गो, क्या आप मेरे साथ जाना चाहेंगे। या दूसरा बोल दी जाए, वुड यू लाइक मी टू प्ले, ठीक है। यह बोल दिया जाए, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक मी टू लिव, ठीक है। यह हो जाएगा, वुड यू लाइक मी टू लिव, क्या आप मेरे साथ रहना चाहेंगे। तो आप लोग इस तरह सोचेंगे, बनाएंगे, बोलेंगे, कहीं लिखा है समझेंगे, ठीक है, कुछ भी होगा तो आप लोग इस तरह बनाएंगे और देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं कुछ बोल दूँ, इसे बोल दिया जाए कि क्या आप उसके साथ जाना चाहेंगे। ये बोल दिया जाए, क्या तुम मेरे साथ गाना चाहोगे, या क्या तुम मेरे साथ पढ़ना चाहोगे। तो ये आप इस तरह बनाइएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और दिमाग से निकले ना, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम देखते हैं दूसरा, ठीक। तो आई होप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो मेरे सभी आपको सोशल मीडिया हैंडल जितने भी हैं, ट्विटर, फेसबुक जितने भी हैं, ठीक है, तो आपको सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका दूसरा यूज़। देखा जाए तो वुड यू माइंड इफ़ का यूज़, देखा जाए तो इसका हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। वुड यू माइंड इफ़ के बाद देखा जाए तो जो भी सेंटेंस लास्ट का होता है उसे हम प्रेजेंट इनडिफिनिट में बनाते हैं। जैसे बोल दिया जाए, क्या आप बुरा मानेंगे अगर वह वहाँ जाए, क्या आप बुरा मानेंगे अगर वह कार चलाए, ठीक है। क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है। क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं उससे मिलूं, ठीक है। इस तरह जब भी आप सेंटेंस कोई भी बोलेंगे, सोचेंगे, लिखेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप लोग इसका यूज़ करके बनाएंगे और सोचेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल में लिखता हूँ, ठीक। जैसे बोल दिया जाए, वुड यू
माइंड इफ सी गोज देयर क्वेश्चन मार्क वुड यू माइंड इफ सी गोज देयर, क्या आप बुरा मानेंगे अगर वह वहां जाए? ठीक है, दूसरा बोल दिया जाए, वुड यू माइंड इफ आई सिंग, ठीक ये हो जाएगा, वुड यू माइंड इफ ही वुड यू माइंड इफ ही टॉक टू यू, ठीक है ये हो जाएगा, वुड यू माइंड इफ ही टॉक टू यू, ठीक ये हो जाएगा। या इस तरह जब भी हम सोचेंगे बनाएंगे लिखेंगे तो आप लोग इस तरह बोलेंगे। मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक, जैसे बोल दिया जाए क्या आप बुरा मानेंगे अगर वह यह कार चलाए, क्या आप बुरा मानेंगे अगर वह तुमसे मिले, क्या आप बुरा मानेंगे अगर वह यह कार खरीदे, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट में देखना है, लास्ट का जो भी है हम प्रेजेंट में ही बनाते हैं, ठीक है, सेंस हम बोलने में कैसे भी हो सकता है, ठीक। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तो आप लोग इस तरह बनाते रहिए और सीखते रहिए, और बहुत सारे हम लोग स्ट्रक्चर बहुत सारे हम मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ एक जगह में एक वीडियो मिले ताकि आपको आसानी हो सके और बहुत सारी चीज़ों को आसानी समझ सकें, देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ें एक जगह देने की कोशिश करता हूँ, तो इसी तरह हम आपको देते रहेंगे। तो हो सकता है थोड़ा बीच में मैं आपको गैप देता हूँ, 2-3 दिन में वीडियो डालता हूँ 3 दिन में, ताकि आपको बीच में मिल सके ज़्यादा टाइम और उसका रिवीजन कर सके। जितना हम रिवीजन करते हैं उतना भूलने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरा ग्रुप भी है टेलीग्राम में, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी मैं देता हूँ मटेरियल, हम PDF भी देते हैं, ठीक है, हर चीज़ देने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। तो आप लोग देखिए, और आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप वहाँ ज्वाइन कर लेंगे, तो हम वहाँ शेयर सबसे पहले शेयर करते हैं, तो आपको वहाँ से हर चीज़ मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।